गोवा की एक सीक्रेट लेक जहाँ फॉरेनर्स चिल करते हैं जैसे इंटरनेशनल लोकेशन हो। हे गाइस, दिस इज अर्जुन एंड यू वाचिंग आइकॉन ट्रैवल। इस व्लॉग में दिखाऊंगा रशियन विलेज एरम्बोल की एक सीक्रेट लेक एंड इस लेक तक पहुंचने का 2 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता और एक हॉस्टल जहाँ पे आप सिर्फ 100 रुपए पर नाइट में रह सकते हो विद बजट एंड फुल इन्फॉर्मेशन। ये है द स्वीट लेक। ये एक आउट ऑफ इंडिया वाली फील देती है। मैं बहुत आइलैंड्स पे घूमा हूँ बट एक साइड ओशन और बीच के दूसरी साइड एक लेक मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ पे रशियंस भरे रहते हैं और यहाँ पे जो एरम्बोल की पार्टी होती है वो भी वही यही होती है और शायद इसलिए इस स्वीट लेक के स्पॉट को फॉरेनर्स और रशियंस ने अपना सीक्रेट चिल करने का प्लेस बना रखा है। जहाँ लोग कहते हैं कि गोवा एक्सपेंसिव है, वहीं मैं आपको दिखाता हूँ कि इस इंटरनेशनल फील वाली रशियन विलेज में आपको सिर्फ 500 रुपए का कमरा भी मिल सकता है। यहाँ पे प्लेसेस चेकआउट कर रहा हूँ एरम्बोल पे। एरम्बोल के एंड में यहीं पर ही स्वीट लेक का रास्ता है। ये वो रेस्टोरेंट्स है, कॉटेजेस है। 100 रुपए वाला नॉन एसी हॉस्टल वहाँ पे 100 रुपए में यू कैन स्टे। 500 रुपीज वो ऊपर वाले कमरे आपको मिल सकते हैं नॉन एसी। और एक छोटा सा हॉस्टल भी है जहाँ पे आपको सिर्फ 100 रुपए में डॉर्म का बेड मिल जाएगा। Hey guys, what's up? हम लोग सुबह उठ गए, फाइनली सनस्क्रीन वगैरह लगा लिया एरम्बोल में। ये हमारा व्यू है, वो ओशन है वहाँ पे। एसी रूम का एक्चुअली यहाँ पे सीन है, उसकी वजह से हमें थोड़ा पीछे की साइड लेना पड़ा। पूरी सी तो नहीं दिख रही लेकिन स्टिल इज़ वेरी गुड। एरम्बोल की मेन पार्किंग है ये। हम 3 बंदे 1700 पे कर रहे हैं, तो आपको दिखा देता हूँ। मेरे 2 फ्रेंड्स और मैंने स्टे किया इस होटल में 1700 पर नाइट, विच इज़ प्रीटी गुड। टीवी भी कुछ नहीं होता यहाँ पे रूम में। हमने पूछा क्यों नहीं होता तो वो कहते हैं कि रशियन जो यहाँ पे रहते हैं वो टीवी देखते ही नहीं है, क्योंकि एरम्बोल बीच पे एसी रूम्स मिलना काफ़ी मुश्किल है। मिस्टर राजी शेर, एमसी शेर, एमसी शेर और मैं मुराद। अभी और वो अब हम यहाँ से जा रहे हैं बीच पे। गाइस, हम लोग बाहर आ गए। 1300 प्लस 250 मतलब 550 डचिंग बिल चल रहा है। मतलब शॉपिंग कर रहे हैं, खाना खाते हैं। नहीं, पहले पहले बीच पे चलते हैं। सबसे पहले ना बीच पे क्या करेंगे? शैक पे बैठेंगे ना। स्वीट लेक मैं वही बोल रहा हूँ, शैक पे बैठेंगे। अभी 2 बज रहे हैं, नजर मार के आते हैं ना एक बार। यार ये हॉट टाइम है ब्रो, ये मेन टाइम होता है। हॉट टाइम है वही बोल रहा, क्यों सीजन होना है हमेशा जिस बीच पे हो। अब एरम्बोल ही हम ना देखें और ये पीक बीच टाइम होता है यार, इस वजह से बीच पे एक भी दिन स्पेंड नहीं हो पाया। एंड द व्यू इज दैट साइड। बड़े वाला अभी हम यहाँ पे कोकोनट वाटर पी रहे, ट्रिप का पहला कोकोनट। कुछ लोग इसे कोकोनट भी बोलते हैं। मेरे फ्रेंड्स को शॉपिंग के लिए जाना था और मुझे रशियन स्वीट लेक पे, इसलिए कोकोनट एंजॉय करने के बाद ये लोग शॉपिंग पे निकल गए और मैं बीच से लेक की साइड जाने लगा। लोग चले गए कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो मेरा ये था कि मुझे बीच पे बहुत टाइम स्पेंड करना है और एरम्बोल पूरा का पूरा कैप्चर करना है, खासकर स्वीट लेक जाना है। तो ये एरम्बोल का आखिरी साइड है और ये रशियन हिप्पी मार्केट है एरम्बोल की। यहाँ पे सारे कॉटेजेस है एरम्बोल के। ये छोटी सी ये जो मार्केट है ये पूरी लेन है एरम्बोल की, जहाँ से मैंने सनग्लासेस लिए और एक बियर जिसे मैं स्वीट लेक पे जाके एंजॉय करूँगा। अच्छा, ये सान अंदर है, ये वाली नहीं यार, इससे कुछ नहीं होता। गाइस, तो मैंने अभी ये वाले शेड्स लिए 150। मार्केट पे जाके है शॉपिंग भी कर ली, चल रहे। ये पहाड़ी का रास्ता हमें सीक्रेट स्वीट लेक तक लेके जाता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे सेटिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे यू कैन सेट। ये पूरा व्यू वहाँ तक एंड 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। और यहाँ से ये पूरा आरंभ हो गया, पूरा काफ़ी जगह रास्ता बिल्कुल है ही नहीं एंड वहाँ आपको पत्थरों पे से थोड़ा ट्रैक करके जाना पड़ता है। ये ब्यूटी है आरंभ हो गया, जंदरो स्वीट लेक आती ही नहीं है, बड़ी दूर है। गोइंग टू द स्वीट लेक और ये रास्ते में ऐसे ऐसे व्यू आते रहते बार बार। फाइनली स्वीट लेक,
वो हम फाइनली पहुंचने वाले हैं द रशियन स्वीट लेक के ऊपर। बस 2 मिनट आ गए। देखा ट्रैवल आसानी होता बिल्कुल भी। चलो भाई पत्थरों पे ज़्यादा शाहरुख सलमान नहीं बनना, रेतों से ही इधर से ही निकल जाओ। क्यों वो फाइनली स्वीट लेक, फाइनली स्वीट लेक आ गए ये सब कुछ पार करने के बाद। वाह अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑलवेज जब भी स्वीट लेक आते हैं। इसे पता है स्वीट लेक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ का पानी मीठा है। अब मैं और क्या बताऊँ तुम्हें। और ये एक ऐसी जगह है जो शायद आप अपनी पूरी लाइफ भर ना भूलो। ओह फक, मैंने अभी पता क्या देखा, एक डंडी के शेप का मच्छर। आगे ग्रीन था पीछे भी ग्रीन था, ऐसा लग रहा है जैसे तिल्ली है। फक ब्रो, गाइस ये आरंबोल की स्वीट लेक। इस बेड पे चिल करने के लिए मेरे से कोई पैसा चार्ज नहीं किया। गाइस तो स्वीट लेक पे यहाँ पे चिल कर रहा हूँ, बेड पे बैठा हूँ, एक मैसी यूज कर रहा हूँ, बट आई डिडंट पे एनीथिंग। इट्स सो नाइस आप ऐसी जगह पे हो विच इज लाइक रियली सो ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, एंड यू नॉट पेइंग एनीथिंग। बियर मैं अपनी अपने साथ लेके आया था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो मैंने इंजॉय करी अपनी बियर विद दिस अमेजिंग व्यू ऑफ द स्वीट लेक। And I'm enjoying this, bro. There's a sweet lake of Arambol. सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, if you're coming to Goa, don't waste your time, energy and money. पहला ट्रिप है ठीक है, जाके देख के आओ कैलंगुट बागा, देख के आओ, हर किसी को वही पता है, लेकिन वहाँ पे जाके don't stick there. वागातोर, अंजुना ये थोड़े बाहर आ जाते हैं, और Arambol, मोरजिम ये सब तो नेक्स्ट लेवल। ये गोवा के आउटस्कर्ट में बने हैं, हनीमून कपल वो सब यहाँ पे आते ही नहीं है, तो यू गेट द रिच ट्रैवल एक्सपीरियंस जैसा आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रहे हो। और खाली बॉटल को अपने बैग में वापस रख दिया। वी हैव टू कीप दिस प्लेस क्लीन, दिस एक्सपीरियंस इज सिक। यहाँ पे काफी क्राउड था और 2 घंटे यहाँ पे चिल करने के बाद मैं Arambol वापस चला गया। एंड गाइज लाइक द वीडियो अगर मजा आया हो, सब्सक्राइब टू सी मोर ट्रैवल वीडियोस लाइक दिस, एंड अंटिल देन लेट्स आइकॉन ट्रैवल।